पाए सैयद जवाद मार्च करने निकली है ममता दीदी। जी रुबिका जी, देखिए तो पहले तो बहुत ही निंदनीय घटना है और जितनी भी इसकी भत्ता करी जाए वो कम है और मेरी पूरी संवेदनाएं जो है वो इस वक्त पीड़िता के परिवार के साथ है, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये देखना पड़ रहा है कि जितनी लाचार इस वक्त ममता बनर्जी सरकार दिख रही है, इतनी लाचार सरकार मैंने नहीं देखी। घटनाएं होती हैं और आज भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हुई और तमाम घटनाएं रेल की सामने आ रही, लेकिन आप ये देखिए जितनी जिम्मेदार अगर ममता सरकार है उतनी ही केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रही। केंद्र सरकार को भी आप जो है जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, जहां जहां आपको इसलिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ। गृह मंत्री जी किस लिए है, देश के प्रधानमंत्री जी किस लिए बैठे हुए हैं, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, आपकी बार कौन सी सरकार। हाँ। ये भी तो जिम्मेदारी ले जिम्मेदारी ऐसा ना 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 सब जगह जो है तो फिर ऐसा करते हैं ना सारी जगह पर जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है उसी पार्टी का आदमी बिठा देते हैं, जब सारी जिम्मेदारी देन वहाँ सवाल ही नहीं बचता है। फेडरलिज्म की जो बात आप लोग करते हैं फिर वो होनी नहीं चाहिए। जब डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे अमित शाह तो आप ही रोएंगे, कहेंगे ये देखिए हर जगह आ जाते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, ये तानाशाह लोग हैं। बिल्कुल नहीं तो इसके सारी प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताऊं आपकी भी जिम्मेदारी है ममता बनर्जी पे सौंपनी, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे सांसद जी ममता बनर्जी पर जो फैसला लेना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। प्रेम शुक्ला, रूबिका जी ये जिहादियों और बलात्कारियों का इकोसिस्टम है जो चीख चिल्ला रहा है, जिहादियों और बलात्कारियों का इकोसिस्टम है जो अनर्गल कलाप के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। भाई अब चीखो मत भाई, जिहादी सिंह जरा आराम से शांति जिहादी जी आदरणीय जिहादी जी आदरणीय कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग महिलाओं के हक के लिए आते हैं और पता नहीं क्या आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, मुद्दा वही का वही रह जाता है। देखते रहिए न्यूज़ 18।